परसों ना काकुल की गोद भराई की रस्म है और मेरी बेटी देविका की एंगेजमेंट सेरेमनी भी है। ओह, दैट्स ग्रेट न्यूज, कंग्रेचुलेशंस। भाई कंग्रेचुलेशंस तुम हमारे घर ही आकर देना, अपने पति और बच्चे के साथ, दिस फैमिली यू नो। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? कोई समस्या है क्या? नहीं, वो मैं ये सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड, पता नहीं उनके पास टाइम हो ना हो, तो आई तो ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे। अगर आप बात कर लेंगे तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगे। बस तो मैं उनसे कह दूंगा। थैंक यू सो मच। अब तो आपको यकीन है उसका हस्बैंड, मैं उससे बात करूंगा, मैं खुद उसे लेके आऊंगा। जब वो अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर आएगी ना, तब बात करेंगे। चलिए ठीक है, तब बात कर लेंगे। सही नहीं झलकता पिताजी, हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें ना, लेकिन शरीर के हर हिस्से में लिपटा हुआ नजर आता है वो। त्रिशा बेटा, ये उस पिता का दुख है जो 24 घंटे अपनी बेटी को याद करता रहता है, तड़पता रहता है, खींच होती है अपने ऊपर, झुझलाहट होती है, गुस्सा भी आता है। क्या हम मजबूर हैं? क्या हम अपने काकुल के जीवन में खुशियां क्यों नहीं ला सकते? आप मजबूर नहीं है पिताजी, हम में से कोई भी मजबूर नहीं है। हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो काकुल चाहते हैं। माना कि हम उसे खुशी नहीं दे सकते, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे दुख भी तो नहीं दे रहे। इसी बात का तो अफसोस है, काकुल जिन पर अपनी जान न्यौछावर करती है वही उसे सबसे ज्यादा दुख में पहुंचाते हैं। पिताजी कैसे हैं ये सम्मान के घर वाले? काकुल की भावनाओं का रत्ती भर भी परवाह नहीं, धूम करती है, दिखावा, नाटक किस लिए? दुनिया को दिखाने के लिए कि वो कितने अच्छे लोग हैं, अपनी बहू से उन्हें कितना लगाव है। काकुल की गोद भराई उसी दिन कर रहे हैं जिस दिन देविका की सगाई है। हमारी बेटी की बलि चढ़ाकर अपनी बेटी की सगाई का मेला सजाएंगे। ढूंढ नाटक करते हैं, सब समझ में आता है हमको। पिताजी, आप काकुल के लिए बहुत परेशान है ना, इसलिए ऐसे उदास बातें सोच रहे हैं, लेकिन मुझे तो इसके पीछे एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हाँ पिताजी, ऐसा लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। वो कैसे? जरा सोचिए पिताजी, सम्मान बार बार काकुल को मिलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? ताकि वो क्या देविका की सगाई में कोई बाधा ना आए, बस। पिताजी, ऐसा भी तो हो सकता है कि सम्मान को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और इस बात का अंदाजा काकुल को भी हो गया हो।
हाँ पिताजी, इसलिए तो वो बार बार मुझसे कहती रहती है कि दीदी हमें अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ने दीजिए। विश्वास तो नहीं होता है, काश सच हो ये। दी, समान का फोन। काकुल दी, ये क्या किया आपने? फोन क्यों काट दिया? इससे तो समान और भी दूर चले जाएंगे आपसे। अभी समान हमारे थे ही कब, हम तो बस उनके नजदीक होने के भ्रम में जी रहे थे। काकुल मुझसे बात नहीं कर रही है, ये बात मुझे इतनी बुरी क्यों लग रही है? काकुल दी, क्या आपने बिल्कुल हिम्मत हार दी है? क्या आप बिल्कुल उम्मीद खो चुकी हैं? फिर जो आप कहती थी बराबर की लड़ाई, वो सबका क्या होगा? वो सब होगा, हमें अटल विश्वास है हमारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन अपने आप को हम और छोटे दिलासे नहीं देना चाहते। बहुत दुख झेल चुके, बहुत तकलीफ सहली, बस अब और नहीं। कितनी ज्यादती हो गई है काकुल के साथ, कितना लड़ना पड़ रहा है उसे अपने ही हालात के साथ। हाय हाय, क्या हुआ? आई एम सॉरी, इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? ट्रैफिक बहुत था, गाड़ियां चल नहीं रेंग रही थी। You're so angry with me, कि मुझसे बात भी नहीं करोगे? मैं गुस्सा नहीं हूं तुमसे। तुम गुस्सा नहीं हो, लेकिन चेहरे पर हंसी भी नजर नहीं आ रही है, बल्कि चेहरा उतरा उतरा लग रहा है। बोलो ना, क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो फिर हंसकर दिखाओ। तुम तो मेरे पीछे पड़ गए, मैंने कहा ना बार बार कहा कि कुछ नहीं हुआ, फिर क्यों पूछ रही हो? और अब ये भी बता दो, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो तुम्हें आज ही करनी थी? तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे इस वक्त घर होना चाहिए था। बात क्या है, इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? इतने दिनों के बाद मिली हूं तुम्हें, कुछ अंदाजा भी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? और तुम्हें अंदाजा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? उन हालात के लिए मैं जिम्मेदार हूं? ओके, देन आई एम सॉरी। अपने हालात के लिए मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा हूं अंशिका, क्योंकि जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। अपना घर छोड़कर मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए था, दैट वॉज अ ब्लंडर। वो बहुत बड़ी भूल थी मेरी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ जरूर कुछ हुआ है, समथिंग टेरिबल मस्ट हैव हैपेंड। बताओ क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो? काकुल दी, एक बार बात तो कर लो उनसे, जस्ट वंस, एटलीस्ट सुन तो लो समान आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या हुई बाबू, क्या समझा रहे हैं भाई? कौन किससे क्या कहना चाह रहा है? वो सम्मान ने फोन किया था काकुल दी को, लेकिन इन्होंने तो फोन ही काट दिया। अब हम तो क्या अर्ज करें, मतलब इसे समझाने का भी सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि बेहोश हो जाएंगे हम बिल्कुल। एक तरफ कहती है कि सम्मान बाबू से प्यार करती है, दूसरी तरफ बातें नहीं करना चाहती उनसे। हम तो क्या है ना नाना, कि अपना
मानसिक संतुलन खो चुके हैं बिल्कुल। हमारा तो सब इमोशन फीलिंग उलझ कर आ गया है ससुराल। हम किसी को उलझाना नहीं चाहते हैं जीजू। जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, आप सब कुछ देख सकते हैं। और उस दिन जब सम्मान यहाँ आए थे, आप थे ना, आपने सुना था ना सम्मान ने क्या कहा था? हमने सम्मान की जिंदगी बचाई है और उनके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो हमसे थैंक यू कहना चाहते हैं। तो ठीक है, थैंक यू तो उन्होंने कह दिया है, अब इसके बाद कहने के लिए सुनने के लिए क्या बचा है जीजू? देविका की मंगनी, देविका की शादी। तुम्हारे घर वालों पर तो देविका का भूत सवार हो चुका है और अब उस काकुल के पैरों में इस तरह गिरे जा रहे हैं। जैसे कि वो नहीं आई तो देविका की शादी होगी ही नहीं। एक बात बताओ, तुम लोग देविका के ससुराल वालों को सच्चाई क्यों नहीं बता देते? क्यों नहीं बोल देते उन्हें कि तुम दोनों अलग हो चुके हो? बस हो गया, यही सब बातें करने के लिए तुमने मुझे आज बुलाया था यहाँ? यही सब कहने के लिए डेस्परेट हो रही थी ना तुम? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मेरे सामने तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन मेरी फैमिली के बारे में या किसी और के बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है तुम्हें। ओके, आई विल रिमेम्बर दैट। लेकिन जरा ये तो बताओ, कोई और यानी किसके बारे में कह रहे थे तुम? बोलो, चुप क्यों हो तुम? चुप इसलिए हूं क्योंकि सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा। बट अब सोच रहा हूं मैं तुम्हें सच बताई दूं। काकुल के बारे में कह रहा था मैं, काकुल की वजह से आज मैं जिंदा हूं अंशिका। अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचती ना हॉस्पिटल, तो आज मैं यहाँ इस तरह तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। जीजू आप क्यों जिद कर रहे हैं? हमने कहा ना, हम सम्मान को फोन नहीं करेंगे, हमें उनसे कोई बात नहीं करनी। अरे बात नहीं करना है तो हमारा बात मानो फिर तुम, हमारा कोई बात तो मानोगी ना? कठपुतली बन के अब तुम्हारी उंगलियों पर तो नहीं नाचेंगे हम काकुल। देखिए आप गुस्सा मत होइए, अगर आप ही इस तरह गुस्सा करने लगेंगे तो झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा सुचित बाबू। आप चलिए अंदर जाके आराम कीजिए, मैं काकुल बिटिया से बात करता हूं। अभी बेटा तुम भी चलो। जी बाबा। काकुल बेटा हमारी एक बात मानोगे? बताइए। देखो बेटा, एक बार सम्मान बाबू से बात कर लो, वरना ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। नाना हम हमारी बात मान लो बेटा, बात कर लो। इट्स एनफ, अब और कितना बहस करेंगे हम? चलो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो, वैसे भी आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्या ऑर्डर करूं? कुछ भी मंगा लो, मैं तब तक वॉशरूम से होकर आता हूं। काकुल बेटा ज्यादा जिद नहीं करते, देखो वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, तुम जितनी देर करोगी उतना तुम्हें वक्त पीछे धकेल देगा। मेरी बात मानो, लो बेटा फोन करो, लो। शर्मों की तरह पीछे पड़ी हो,
मेरी आवाज पहचानी या नहीं? मैं वंशिका बोल रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी कोई भी चाल मैं कामयाब होने नहीं दूंगी। सम्मान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। खुश होती होगी ये सोचकर कि जो चाले तुम मेरे खिलाफ चल रही हो उसमें तुम जीत रही हो। लेकिन काकुल, तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम जीत नहीं, तुम हार रहे हो। सम्मान के घर वाले तुम्हारे साथ जो चाले चल रहे हैं वो तुम्हें नजर नहीं आ रही। शतरंज का मोहरा बना दिया तुम्हें। तुम जानती हो, तुम्हारी गोद भराई का नाटक खेला जा रहा है और ये सब सिर्फ देविका के लिए, क्योंकि देविका के ससुराल वाले तुम्हारे घराने से अपना रिश्ता जोड़ने का सपना देख रहे हैं। ग्रेट पॉलिटिशियन ओम शंकर जी के रिश्तेदार कहलाएंगे और इसीलिए वो अपने बेटे की शादी देविका से कर रहे हैं। जरा से भी गैरत है, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मंगनी के दिन तुम वहां नहीं जाओगी, समझे तुम? ये लड़की क्या बकवास कर रही है काकुल? क्या ये सच है? सच हो या झूठ, आपने सुन लिया ना नाना? यही बात हमें भी खटक रही थी, कुछ ऐसे ही ख्याल हमारे भी मन में आ रहे थे। हमने बहुत धोखे खाए हैं नाना, बहुत धोखे। इतने धोखे कि कोई अगर हमसे हंस के भी बात कर लेना तो हमें डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उस हंसी के पीछे भी जरूर कोई फरेब छिपा होगा, जरूर कोई मकसद होगा। लेकिन काकुल बेटा, हमें इस लड़की पे विश्वास नहीं है। एक तरफ सम्मान बाबू तुमको फोन करते हैं, तुमसे मिलने की इच्छा रखते हैं, मानो उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा हो, और इधर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या सच है क्या झूठ है। नाना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वंशिका सच्ची है, वो तो झूठ बोलने में माहिर है। लेकिन नाना, वो जो ये बात कह रही है इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो जरूर होगी, और इसीलिए हम इस भ्रम से निकलकर अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ना चाहते हैं। मैं सम्मान से प्यार करती हूँ, सम्मान के अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आता। मंजिल खोई हुई से कोई जगाए, किस्मत सोई हुई, चाहो जो मिले कोई अपना, मिलती है तन्हाई, तुम कैसे हो? रहती है साथ अपने, सम्मान मेरा है अपनी और मेरा बनकर रहेगा। है जिंदगी तूने किया रुस्वा, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, कैसे करें, जरूर लड़ेंगे, किसे करें शिकवा, मगर अपने तरीके से। अब टूट के आंखों में है बिखरा सपना। एक तरफ सम्मान का सूरत नहीं देखना चाहती हो, उससे मिलना नहीं चाहती हो, उससे बात नहीं करना चाहती हो, तो फिर काहे पड़ी हो मुंबई में? जल्दी क्यों नहीं अपने घर? हम दादी माँ की इच्छा का मान रखने के लिए यहाँ रुके हैं। आप इसे तमाशा या जो कुछ चाहे कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये
सम्मान की मर्जी के बगैर उनसे प्यार करने की सजा है।